इस क्वेश्चन को एक करने का तरीका और देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देख रहे हैं अभी हम लोग। देखो तरीका क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखते ही एक नजर में देख लिया कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है ना, बन सकता है अगर कुछ फेरबदल कर दे तो। फेरबदल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फेरबदल लेफ्ट में करेंगे वही RHS में, फेरबदल मतलब जो चेंजेस हम लोग LHS में करेंगे वही RHS में करने पड़ेंगे इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, देखो यहां पे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, x माइनस टू का होल स्क्वायर बन रहा है क्या। इक्वेशन क्या देखो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, यहां से दो चीजें निकल के आ सकती है। अगर हम x माइनस वन का होल स्क्वायर बनाएं तो क्या ए स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी तो बन जाएगा, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस थ्री करना पड़ेगा, प्लस थ्री करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये वन है ये थ्री, फोर हो गया माइनस टू ए भी। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अगर x माइनस टू का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब यहां पे माइनस फोर ए बी होना चाहिए, प्लस टू ए बी करना पड़ेगा, प्लस टू ए बी करना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी मतलब माइनस फोर एक्स हो जाएगा, तो प्लस टू एक्स करना पड़ेगा। मतलब कुछ चेंज तो यहां भी करना पड़ेगा, कुछ चेंज तो यहां भी करना पड़ेगा। चेंजेस बहुत माइनर से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अगर हमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े, कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास, अगर हम इसे क्या लिख लें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लें तो a प्लस बी का होल, a माइनस बी का मानेंगे यहां पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब यहां से क्या बन सकता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। हल्का सा चेंज है, हल्का सा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फोर की जगह टू हो जाता तो अच्छा रहता है ना, ये सोच रहे हैं ना, फोर की जगह टू हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। नहीं बन पा रहा इसका मतलब क्या है, नहीं बन पा रहा इसका मतलब अगर हम देखें इस चीज को कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टाइम्स ऑफ टू एक्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, यही तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्या हो अगर ये टू ना हो यहां पे, तो अगर ये टू ना हो तो बात ही खत्म हो जाएगी, टू ना हो तो बात ही खत्म हो जाएगी, यही वाला एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स हो जाएगा अगर टू ना हुआ तो, टू है इसलिए यहां पे नहीं हो पा रहा है। अगर टू हटा दे तो कुछ फॉर्मूला देखने को मिलता है क्या, अगर टू हटा दे हम लोग तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसी भी फॉर्मूले में आता है क्या, बिल्कुल, किसके फॉर्मूले में आता है ये, इसे अगर हम लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसके फॉर्मूले में आता है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आएगा, है ना, कब आएगा, जब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो, ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन कर दें तब ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, जब क्वेश्चन में गिवन है इस टाइप की इक्वेशन तो उसे वेस्ट क्यों होने दें, हम लोग व्यर्थ क्यों जाने दें, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी नहीं बना पा रहे हैं लेकिन माइनस ए बी तो बना पा रहे हैं, जब ए बी बना पा रहे हैं माइनस में, तो अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें ए माइनस बी, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर दें तो आरएचएस तो जीरो का जीरो रहेगा, क्योंकि आरएचएस में जीरो है, उसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, लेकिन चेंजेस यहां पर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये क्या है, ये क्या है बी है, ये क्या है ए, ये क्या है ए बी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें अगर ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते, देखो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स, अगर हम इसे ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई कर दें यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि यहां पे आरएचएस में भी तो जीरो आ रहा है, आरएचएस में भी तो जीरो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम लोग ये तो समझ लिया, हमने क्वेश्चन को देखा, हमने तो हमने देखा कि यहां पे हमारे पास
परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहां पे, है ना, ये बन रहा है। हम इसमें क्या a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सॉरी टू ए बी नहीं ए बी, ये क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, है ना, ये प्लस का है सॉरी ये प्लस का है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस का हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ध्यान से याद रखना फॉर्मूला, प्लस टू का क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस एट और एक्स की वैल्यू माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू आ गई। या तो एक्स की वैल्यू यहां माइनस पुट कर दो, है ना, माइनस पुट कर दो एक्स की वैल्यू, या फिर क्या करो, या फिर क्या करो इसमें एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, एक्स क्यूब कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थर्टी, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस एट, ये माइनस फोर, ये थर्टी, सिक्सटी टू आ जाएगा आंसर। यहां से भी यहां भी तो वही बन पा रहा था एंडिंग में, ये बन पा रहा था ना माइनस एट इंटू माइनस फोर प्लस थर्टी, यहां से भी आंसर आ सकता था यहां से भी। तो ध्यान कहां देना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी या प्लस टू ए बी नहीं बन पाता है तो हम देखेंगे कि क्या वो नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन पाता है या नहीं बन पाता है। अगर बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दें फॉर्मूले को देख के, माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा तो यहां से ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे हमने क्या किया था, ए क्यूब की वैल्यू क्या निकाली थी, यहां से निकाली थी, अभी भी निकाली वहीं से, लेकिन हमने क्या किया यहां पे एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, ये यहां पुट करी आंसर निकाल लिया यहां से। लेकिन हमने क्या किया, देखा आर एच एस में जीरो है, हम एल एच एस में कुछ चेंज करेंगे तो आर एच एस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मल्टीप्लीकेशन है डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब मत सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब की वैल्यू माइनस एट निकाली या एक्स की वैल्यू माइनस टू भी पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां से, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एट, ठीक। अब यहां से एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट मत करना क्योंकि यहां पे ज्यादा एरर हो जाएगी, क्योंकि माइनस टू पुट करो देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहां से निकालने को निकाल सकते हैं लेकिन यहां पे कितना लंबा प्रोसेस है निकालने के लिए, अगर निकालना चाहे, अगर निकालना चाहे यहां से तो निकाल सकते हैं एक्स की पावर फाइव, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पे तब जाके निकलेगा माइनस टू, माइनस टू कितना आ जाएगा, ये माइनस टू की पावर फाइव माइनस थर्टी टू, टू की पावर फाइव कितना होगा थर्टी टू माइनस का, प्लस ये कितना होगा टू की पावर फोर, टू की पावर फोर हो गया मतलब सिक्सटीन टू सा थर्टी टू, कितना आ जाएगा ये थर्टी आ गया यहां से तो, है ना, एक्स की पावर फाइव थर्टी टू हो जाएगा और यहां माइनस है देखो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटी टू, माइनस सिक्सटी फोर प्लस थर्टी, माइनस थर्टी फोर आ जाएगा यहां से तो आंसर, माइनस थर्टी फोर आ जाएगा आंसर। यहां पे कुछ गड़बड़ की है फिर हमने, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस एट मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू रखी, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखी मतलब टू की पावर फाइव थर्टी टू, थर्टी टू प्लस थर्टी, यहां से कितना आ जाएगा माइनस टू की पावर फाइव कितना आ जाएगा थर्टी टू, माइनस माइनस थर्टी टू प्लस थर्टी। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, द मीन ऑफ एक्स एंड वन अपॉन एक्स इज एन देन द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन मतलब डिवाइडेड बाय टू, मीन बोल दें या फिर एवरेज बोल दें। गिवन क्या है देखो, क्वेश्चन में गिवन है द मीन ऑफ एक्स एंड वन अपॉन एक्स, इसका मतलब ये कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाय टू एन है। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब एक और है कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 2n है, कितनी है, 2n है, ठीक है। ये डाटा तो हमें गिवन है, हमसे बोला गया है कि मीन बताइए किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब हमसे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी। अब देखो हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स है, हमें यहां से जाना है पावर टू इंक्रीज करके, दुगनी करनी है पावर। क्या लगा दे, के स्क्वायर माइनस टू लगा दे, के स्क्वायर माइनस टू। अगर यहां पे के स्क्वायर माइनस टू लगा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2n का स्क्वायर माइनस टू। इसका क्या मतलब है, 4n स्क्वायर माइनस टू। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, उसे हम अगर यहां पुट कर दें 4n स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, कितना आ जाएगा आंसर, 2n स्क्वायर माइनस वन, 2n स्क्वायर माइनस वन। समझ में आई बात, क्वेश्चन में गिवन है मीन, मीन मतलब एवरेज, x प्लस वन अपॉन एक्स का क्या मीन दिया गया है, n, मतलब डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू n, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली 2n। पूछा किसके लिए गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए इसका मीन पूछा गया है। अगर इसका मीन पूछा गया हमसे तो वो क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या कर दे, स्क्वायर करके यहां पुट अप कर दे, है ना, पावर दुगनी करके, दुगनी पावर करेंगे, के स्क्वायर माइनस टू लगाएंगे, मतलब 2n का स्क्वायर माइनस टू, मतलब 4n स्क्वायर माइनस टू। अगर वैल्यू यहां रख दें 4n स्क्वायर माइनस टू, तो n की टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 17x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 का इनवर्स। ये जो इनवर्स है ये सिर्फ इसी टर्म के साथ है, इक्वल टू 3.6, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 7.8। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसे सिंप्लीफाई करके, 3.6 को 36 अपॉन 10 मतलब 18 बाय 5, और इसे इसके इनवर्स में लेके चले जाएंगे, 17x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 37 डिवाइडेड बाय इनवर्स है 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 33.6। ये हो जाएगा 36 बाय 10, और हम बोले 2 से डिवाइड करने के बाद तो 18 बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे 85x स्क्वायर माइनस 185x प्लस 185 इज इक्वल टू 18 5 90 90x स्क्वायर। 18 माइनस 11 कितना होगा, माइनस 198। 18 इंटू 10 इसे ब्रेक कर ले, 10 प्लस 1 180 प्लस 18 198x माइनस 180। अगर हम LHS से RHS में ले जाएं 85x स्क्वायर को, तो 5x स्क्वायर, इसे ले जाएं RHS में तो माइनस 13x, इसे ले जाएं RHS में तो माइनस 5, कितना हो जाएगा, ये 10 है माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से x से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 13 माइनस 5 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x माइनस 1 अपन x की वैल्यू, तो 13 बाई 5। अब 13 बाई 5 किसे आ गई, देखो 13 को RHS में ले गए, ये 5 कॉमन निकाला, x माइनस 1 अपन x, 13 को RHS में ले गए थे हम लोग, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 13 बाय 5। अब 13 बाय 5 आ गई, हमें क्या चाहिए, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, है ना, ये चाहिए ना। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x है, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, तो देखो करने के दो तरीके हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो है x माइनस 1 अपॉन x मतलब a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x इंटू 1 अपॉन x, ए बी मतलब। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब, है ना, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां से कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर जाएगा तो नेगेटिव होता है ना ये, तो प्लस x इंटू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब एक्स किसके साथ है, नेगेटिव के साथ, है ना,
अब ये नेगेटिव इधर जाए तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब है ना प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी है ना। लेकिन यहां पे थ्री क्यों आ गया, क्योंकि यहां नेगेटिव था तो यहां थ्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला अगर इसका लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो इधर नेगेटिव जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कैंसल, अब x माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री टाइम्स ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स। तो देखो दोनों से आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन सही तरीका कौन सा है, सही दोनों इजी को तरीका कौन सा है, इजी तरीका है ये वाला, क्यों ये वाला, क्योंकि यहां पे x माइनस वन अपॉन एक्स है, यहां भी है, लेकिन यहां पे x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। तो यहां से x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब निकालेंगे, x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू 13 बाय 5 इसका क्यूब करेंगे प्लस 3 टाइम्स 13 बाय 5 एज इट इज रहने दिया। समझ में आई बात, 169 इंटू 13 है ना, यही करेंगे ना। यहां पे 13 बाय 5 कॉमन निकाल लो पहले, इजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 3, यही होगा ना, 13 बाय 5 कॉमन निकाला, 13 का स्क्वायर बचा, और यहां पे कितना बचेगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 3, 13 बाय 5 तो कॉमन निकाल लिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 3 से 75, अगर इसमें 75 ऐड करें, 169 में 75 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 244 डिवाइडेड बाय 25, यही होगा है ना, यही हो जाएगा 13 बाय 5 इंटू 244 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो यहां पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। अगर इसे सॉल्व कर लें हम लोग, इसे सॉल्व कर लें अगर, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब 77.8 है, 7.8 है, अगर हम 7.8 को क्या लिख दें, 78 बाई 10 या फिर 39 बाई 5, ये भी तो लिख सकते हैं है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस चीज के लिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब मतलब 13 इंटू 244 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 5, 39 डिवाइडेड बाय 5 पूरे के अंदर, किसके अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है। अब देखो यहां से हमें वैल्यू निकालनी, 125 की वैल्यू तो साफ दिखाई दे रही है, क्यूब रूट करेंगे तो 5 ही आएगा, देखो चारों में ऑप्शन में क्या है, 5 डिनोमिनेटर में 5 है। अब 39, अब देखो यहां पे 13 है, यहां 39 है, ये कितने टाइम्स हो सकता है, कितने टाइम्स हो सकता है ये, अगर कॉमन निकाले हम लोग तो, अगर कॉमन निकाले ना यहां से हम एक चीज, या तो एक काम करो, यहां 25 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो, वो किसी का क्यूब रूट हो रहा होगा, उसका क्यूब रूट कुछ होगा, और इसे 125 बना लो, यहां 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या निकालो, 125 को बाहर निकाल लो मतलब 1/5। अब क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ 244 इंटू 13, 244 इंटू 13, 13 भी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग तो, 13 भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट के बाहर नहीं आएगा, वो क्यूब रूट के बाहर नहीं आएगा, 13 कॉमन निकाला कितना आ गया, 244, ये आ गया 244 माइनस 3 इंटू 25। समझ में आ गई बात, क्या किया हमने, यहां पे 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को मल्टीप्लाई, लेकिन 3 कैसे आया, क्योंकि 13 बाहर लिया है, इसमें भी 13 इंटू 244 था। अब 75 माइनस कर दो, 75 माइनस कर देंगे 244 में से, कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 244 माइनस 75 कितना आएगा, 169। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 1/5 क्यूब रूट ऑफ 13 इंटू 13 का स्क्वायर है 169 है ना। अब ये हटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 बाय 5 5 2 3 2 3 बाय 5 क्या रहेगा आंसर। इस टाइप के वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस में आते हैं है ना। क्या काम किया हमने, सबसे पहले
सिंप्लीफाई किया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। एग्जामिनर स्टेप से क्वेश्चन को सेट करेगा कि हमारे पास सॉल्यूशन करने पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके थ्रू हम लोग क्या आंसर पे पहुंच पाए। इतना आ गया x माइनस वन अपॉन x। अब x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब निकालने के दो तरीके, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, है ना, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इस तरीके से नहीं जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए। x माइनस वन अपॉन x का क्यूब किया प्लस थ्री एक्स भी। अब देखो ये सिमिलर लग रहा है हमें, के क्यूब प्लस, उसमें माइनस था के क्यूब माइनस थ्री के, या के क्यूब प्लस थ्री के, है ना। k की वैल्यू अगर नेगेटिव, देखो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो k क्यूब प्लस थ्री के यही तो है, k क्यूब x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू k है, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ k, ये भी k हो गया, x इंटू वन अपॉन x तो कैंसिल हो गया, है ना। तो एक बात यहां से और समझ लो कि अगर हमारे पास x प्लस वन का क्यूब है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें यहां क्या चाहिए, x माइनस वन अपॉन x है। जब हम इसे क्या लिखें, यहां पावर हटाते हैं, यहां पावर हटा देंगे हम लोग। इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहां पे हमने 3 के लिखा है, के क्यूब प्लस 3 के, के क्यूब प्लस 3 के। अगर हम लोग पावर 3 करते हैं और x प्लस वन अपॉन एक्स ओके मानते हैं, तो यहां क्या लिखते हैं, के क्यूब माइनस 3 के, पावर 3 गुना कर दी। यहां पॉजिटिव था या नेगेटिव लगा दिया। अब देखो यहां नेगेटिव है, क्यूब यहां भी है, यहां भी है, यहां पॉजिटिव था तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के थी, यहां x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, के रखेंगे। बात समझ में आ गई, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, के रखेंगे। तब जाके हमारा क्या बनेगा, साइन चेंज का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां नेगेटिव था, पॉजिटिव था नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहां x माइनस वन अपॉन एक्स को के लिया तो यहां x का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस थ्री के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप से ये इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया और यहां नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना याद रखना है तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2x इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए, वेयर ए इज नॉट, ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो यहां पे हम लोगों को क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, आंसर में भी ये आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग क्या करें, ए की कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जिसका अंडर रूट हो पाए और वो क्या हो, जीरो से बड़ी हो। मतलब हम टू मान लेंगे तो अंडर रूट टू प्लस वन अपन अंडर रूट टू नहीं, हम लोग फोर मान लेते हैं तो फोर का अंडर रूट टू हो जाएगा। हम नाइन भी मान सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यू पे ध्यान देंगे हम लोग, बड़ी वैल्यू पे नहीं जाते हुए। अंडर रूट फोर प्लस वन अपन अंडर रूट फोर, मतलब हमने यहां पे देखो ए की वैल्यू क्या मानी है, ए की वैल्यू फोर माननी है, ध्यान रखना ठीक है। आंसर लाते टाइम हमें एक इसकी जरूरत पड़ेगी, कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट फोर। अब 2x बराबर 2 प्लस 1 बाई टू विच इज इक्वल टू 5 बाई टू, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5 बाई फोर। हमें क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर मतलब 5 बाई फोर, मतलब 25 बाई 16 माइनस वन, 5 बाई फोर कितना हो जाएगा माइनस, ये भी 25 बाई 16 माइनस वन हो जाएगा, यही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 16 यहां जाएगा तो अंडर रूट कितना बचेगा, 9, मतलब 3 बाई फोर, मतलब ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई फोर करके देख लेना। 16 यहां गया तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9, तो अंडर रूट 9 मतलब 3, और ये 16 था 4 आ गया। अब ये 5 बाई फोर है यहां पे, तो सेम वैल्यू है तो माइनस 3 बाई फोर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 बाई फोर डिवाइडेड बाई 2 बाई फोर, मतलब 3 बाई टू आंसर रहेगा। अगर हम a की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 बाई टू। अब देखो a की वैल्यू 4 रखने पे, a की वैल्यू 4 रखने पे यहाँ पे कौन सा आंसर 3 बाई टू देता है, a की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 5 बाई टू हो जाएगा,
ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या है ये वाला, है ना। इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, इसको हमने देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया वैल्यू पुट करके, बात समझ में आ गई। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्स बाई ए इक्वल टू 1/a माइनस 1/x, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a हो जाएगा ये, और यहां पे एलसीएम लेंगे x माइनस a डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स। अब देखो a से ये तो कैंसिल हो गया, a से ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या करें, x को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस a, क्या बोला गया है, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। इतना सा क्वेश्चन था, दिख बड़ा सा रहा था, इतना सा क्वेश्चन था, x बाई इक्वल टू एलसीएम लिया x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, ए से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए, बोला क्या गया है, x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए इधर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए इज द आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था बस।